यदि कोई व्यक्ति आपकी छोटी से छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। अगर कोई छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो इसका मतलब है कि वो एक नरम दिल का इंसान है। अगर कोई बहुत अधिक सोता है तो इसका मतलब यह है कि वह अंदर ही अंदर किसी चीज के लिए घुट रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलत या असामान्य तरीके से खाना खाता है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में है। मनोविज्ञान कहता है कि गानों का मनुष्य के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के गाने सुनता है उसी तरह से वह इस दुनिया को देखने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी आंखों को मोबाइल स्क्रीन की तुलना में किताबों को पढ़ना आसान होता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उसके साथ काम करते हुए आप नई नई चीजों को सीखते हैं। यह कड़वी सच्चाई है कि लड़कियों के दुख या फिर दर्द अधिकतर लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं और मदद भी करते हैं, लेकिन यही बात किसी मर्द की हो तो कोई ध्यान नहीं देता। साइकोलॉजी की एक रिसर्च से पता चला है कि जब कोई आपको दिल से याद करेगा तो उसका पता आपको कुछ इस तरह से चलेगा कि आपका मन बेचैन होने लगेगा और अचानक वही शख्स बार बार याद आने लगेगा। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप अपने प्यार के लिए थोड़ा झुक नहीं सकते तो यकीन मानिए आपका प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति की लिखावट खराब होती है वह होशियार होता है और उसकी सोचने की क्षमता भी काफी तेज होती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान रोना शुरू करता है तो वह और भी पुरानी बुरी बातों को याद करने लगता है ताकि थोड़ा और ज्यादा रोया जा सके। मनोविज्ञान के अनुसार हम उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जिनका मिल पाना हमारे लिए असंभव होता है। साइकोलॉजी कहता है कि वो इंसान जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप उसे अचानक देख लो तो आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। जैसा हम खुद को शीशे में देखते हैं, लोगों को उससे हम 10% ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी फीलिंग तब आती है जब उसे पता चलता है कि वह दूसरे की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसके 90% चांसेस है कि वो आपको याद कर रहा होगा। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग ऐसे लोगों के पीछे भागता है जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें दिमाग इग्नोर करना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी के अनुसार कभी भी उस चीज को मत छोड़ो जो तुम सच में चाहते हो। इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन पछताना उससे भी बुरा है।